और एक ब्रेकिंग खबर आपको बता दें, ओपिनियन पोल पीलीभीत में फिर से भारी पड़ेगी बीजेपी। बीजेपी का जलवा रहेगा, चारों सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी का खाता भी खुलने की उम्मीद नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से धराशायी होती नजर आ रही है पीलीभीत में, और बीजेपी 100% सीटों पर यानी 4 की 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। और रुहेलखंड जहां की 4 जिलों में 25 सीटें हैं, बीजेपी को 51% वोट मिलते हुए हमने आपको बताया है ओपिनियन पोल में। 51% का मतलब है कंप्लीट डोमिनेशन, पूरी तरह से एक छत्र राज होता हुआ दिख रहा है। और पीलीभीत में अदिति बिल्कुल, और अतिभान जी और अतर हुसैन जल्दी जल्दी एक एक कमेंट में लूंगी। पीलीभीत के लिहाज से, डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं जहां पर मानव और इंसान और जानवर के बीच का एक संघर्ष है जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जल्दी से अतिभान जी, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से, 4 सीटों के लिहाज से कौन से मुद्दे और कौन से फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करें, जल्दी जल्दी अतिभान जी और अतर हुसैन जल्दी जल्दी। पीलीभीत है वो किसान प्रभावित जिला है, किसानों का इम्पैक्ट है, और खास तौर से जो सिख कौम है वो वहाँ भारी है, इसीलिए लगातार वहाँ से पहले मेनका गांधी जीतती रही और अब उनके बेटे इस समय वहाँ मैदान में है, और सांसद है वहाँ से वरुण गांधी भी एक बीजेपी के टाइगर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उनका कितना इम्पैक्ट आएगा भगवान जाने, लेकिन वरुण गांधी बीजेपी से नाराज है अंदर अंदर, ये बात नहीं। हाँ, वोटरों का मूड कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हम बीजेपी में हैं, वो एक अलग विषय है, पर किसान आंदोलन का प्रभाव पीलीभीत में पड़ सकता है। अब ये अच्छी खबर है बीजेपी के लिए कि सर्वे में उनके लिए अच्छी बातें आ रही हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन को लेकर के समाजवादी पार्टी काफी और किसानों के बीच जाकर के अपनी बात है, किसी ने भी सुनाई दी है, और वहां के लोग पसंद करते हैं। ये तो सर्वेक्षण ऐसा बता रहा है, ये सर्वे ऐसा कह रहा है, ओपिनियन पोल ऐसा ही कह रहा है, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि किसानों का मूड अभी बीजेपी दिख रहा है। ये कुछ अटपटी सी बात है कि किसानों का ट्रेन और उनका मूड दोनों अलग अलग बातें दिख रही हैं, फिर भी माहौल तो बीजेपी के पक्ष में दिख ही रहा है। और अब बात करते हैं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना की राह कितनी आसान होगी? थोड़ी देर में शाहजहांपुर की हर सीट की रिपोर्ट आपके सामने लेकर आएंगे कि शाहजहांपुर में शाह कौन बनेगा और किसे यहां पर मात मिलेगी। रुहेलखंड में अब शाहजहांपुर की बात करें तो यहां पर 6 सीटें हैं, कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुवाया, शाहजहांपुर और दरौल। 6 सीटें हैं शाहजहांपुर में, और यहां पर क्या है समीकरण, जनता का मूड क्या कहता है, आपको सीट बार हम बताते हैं कौन सी पार्टी यहां पर जलवा दिखाती हुई नजर आ रही है। रुहेलखंड का सीट कटरा की बात करें तो बीजेपी यहां पर जीती हुई नजर आ रही है। कटरा में बीजेपी यहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जनता का मूड यह कहता है कि बीजेपी ये सीट जीत सकती है। उसके अलावा अगर जलालाबाद की बात की जाए तो जलालाबाद में समाजवादी पार्टी जीत सकती है, साइकिल समाजवादी पार्टी की जलालाबाद में चल सकती है। रुहेलखंड की अगली सीट शाहजहांपुर की तिलहर है, जहां पर बीजेपी गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। प्रोजेक्शन के मुताबिक, ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को तिलहर में जीत हासिल हो सकती है। तो शाहजहांपुर की अगली सीट का रुख करते हैं। रुहेलखंड का बेहद अहम इलाका शाहजहांपुर, जहां की अगली सीट है पुवाया। पुवाया में बीजेपी को जीत मिल सकती है, पुवाया में भी बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन यहां हार सकता है। तो अभी तक बीजेपी बहुत दमदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। रुहेलखंड की शाहजहांपुर में अगली सीट है शाहजहांपुर, यहां भी बीजेपी जीत सकती है, यानी शाहजहांपुर में भी बीजेपी का दबदबा साफ साफ नजर आ रहा है। शाहजहांपुर सीट के अलावा अगली सीट पर जनता का मूड जानने की कोशिश करते हैं, जो कि ददरौल सीट है। ददरौल सीट पर भी बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, ओपिनियन पोल के मुताबिक, जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक। ओपिनियन पोल के मुताबिक शाहजहांपुर में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई, बीजेपी गठबंधन बड़ी जीत हासिल कर सकता है। शाहजहांपुर जिले में 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। तिलहर से एसपी के रोशन लाल कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ओपिनियन पोल में शाहजहांपुर में बीजेपी की जीत संभव है, बीजेपी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। एक बार फिर से देखते हैं हाईवे पर कहां किसकी गाड़ी तेजी से दौड़ी। कटरा में बीजेपी जीत हासिल कर रही है, जलालाबाद में समाजवादी पार्टी की साइकिल हाईवे पर बदस्तूर दौड़ रही है, तिलहर में बीजेपी गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा पुबाया में भी बीजेपी गठबंधन अपना
दबदबा बनाते हुए दिख रहा है। प्रोजेक्शन के मुताबिक जीत हासिल कर सकती है बीजेपी। शाहजहांपुर सीट पर भी बीजेपी का जादू चल सकता है और बीजेपी कंप्लीट डोमिनेंस में नजर आती है। ददरौल सीट पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है ओपिनियन पोल के मुताबिक। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। अदिति, शाहजहांपुर में भी बीजेपी का दबदबा? बिल्कुल अतर साहब, शाहजहांपुर 6 सीटें 5 सीटें बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। और अपने दर्शकों को हम बार बार ये स्पष्ट कर रहे हैं कि 2017 में भी रोहेलखंड में बीजेपी की परफॉर्मेंस, अगर रोहेलखंड की बात की जाए तो बेहतरीन रही थी, दमदार रही थी। तो जब हम ये ट्रेंड्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 2022 को लेकर, और ये देखते हुए कि 5 साल बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का वहां पर शासन रहा है, उसके बाद 5 सीटें बीजेपी की तरफ जाते हुए ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? और खासतौर पर अभी क्योंकि बहुत शाहजहांपुर सीट को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही थी, तो अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से अपनी सीट निकाल सकते हैं, ये भी मुमकिन है। अतर साहब, आपका कॉमेंट और उसके बाद रति भांजू जी। अजित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से 2 मंत्री हैं इस समय योगी सरकार में। एक तो सुरेश खन्ना है जो 9 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और 6 बार करीब जीते हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, योगी सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री है। दूसरे हैं उनके बेटे जितिन प्रसाद जी के बेटे बड़े नेता रहे हैं, वहां के राज परिवार से आते हैं, ब्राह्मण परिवार से भी हैं। तो जो जाति समीकरण के हिसाब से देखें और जो सोशल फैक्टर उसके हिसाब से देखें, दोनों का मिला जुला काम वो है जो इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है ओपिनियन पोल में। शाहजहांपुर बीजेपी के लिए आसान है, ये एक सीट बीएसपी जो समाजवादी पार्टी जो ले जाती दिखाई पड़े, जलालाबाद सीट, ये ठीक है, कौशल राज जी वहां मजबूती से उतरे हैं। और बीजेपी, हालांकि समाजवादी पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि हम समाज वहां और सीटें जीतेंगे, लेकिन सच ये है कि वहां समाजवादी पार्टी ने बहुत मेहनत नहीं की है। वहां भारतीय जनता पार्टी घर घर पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने नेता जो उनके रहे हैं सुरेश खन्ना जी, और नए नेता जो बीजेपी में आए हैं जितिन प्रसाद जी, इन दोनों का कॉम्बो बनाकर जिस तरह से एक आधार मजबूत किया है, उससे संभव है कि बीजेपी काफी अच्छी मजबूती वहां हासिल करे। और ओपिनियन पोल ऐसा कह भी रहा है। अतः साहब, रतिमान जी कह रहे हैं कि जितिन प्रसाद और सुरेश खन्ना का इम्पैक्ट दिख रहा है, बीजेपी का कार्डर ग्राउंड पर मौजूद है, समाजवादी पार्टी वीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल पा रही है? देखिए, आपके ओपिनियन पोल के हिसाब से जो प्रोजेक्शंस हैं वो बता रहे हैं कि वहां पे समाजवादी पार्टी वीक दिख रही है, पर रहा सवाल जितिन प्रसाद का, मैं इसमें एक बात ऐड कर दूं, 2017 में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ था, तो उस अलायंस में कांग्रेस की तरफ से जो लीड ली थी एज अ लीडर, वो जितिन प्रसाद ने ली, और जितिन प्रसाद ने इस इलाके में तिलहर की सीट अपने लिए रखी थी, और समाजवादी पार्टी हमेशा तिलहर की सीट उसकी सेफ सीट मानी जाती थी, उन्होंने जितिन प्रसाद को दी। वो जितिन प्रसाद वो सीट 12,000 वोट से हार गए थे समाजवादी पार्टी के अलायंस से। इस बार ये बहुत देखना जरूरी होगा कि वो जो रोशन लाल जो लोध समाज से, जो लोध जो ट्रेडिशनली बीजेपी का वोट कहा जाता है, वो वहाँ से कैंडिडेट हैं, तो वो मुझे लगता है, जो मेरे पास फीडबैक है, आपका भी सर्वे कह रहा है, आपके यहाँ अभी स्टोरी चली थी कि शायद वो कांटे की टक्कर दे रहे हैं, तो अगर वो तिलहर की सीट जितिन प्रसाद नहीं बचा पाते, तो ये जितिन प्रसाद के आने से उनका क्या फायदा है भाजपा को देखने को मिलेगा, तो उनका वो प्रभाव अब नहीं रहा है। हाँ, भाजपा का अपना ट्रेडिशनल वोट है, सुरेश खन्ना जी की बड़ी अच्छी छवि है, वो शाहजहांपुर शहर में हर वर्ग में लोकप्रिय हैं, ये सब जानते हैं, और खासतौर से एक ऐसी कुछ सीटें होंगी जहाँ पे मुसलमान भी जो कहा जाता है भाजपा को वोट नहीं देता है, वहाँ पे ठीक ठाक बड़ा परसेंटेज सुरेश खन्ना के साथ जुड़ा हुआ है। तो और दूसरा जो कास्ट कॉम्बिनेशन है इस बेल्ट में, वहाँ पे जो कुर्मी वोटर है उसका भी बहुत प्रभाव है, और ये देखना है कि कुर्मियों में जो यादव के बाद जो सबसे बड़ी ओबीसी कास्ट है, तो कौन भाजपा क्या उसको अपने साथ जोड़ने में सफल रही है, जबकि कृष्णा पटेल जो कुर्मियों की पार्टी कही आती अपना दल, वो अब समाजवादी पार्टी के साथ है, उनकी जो माँ है अनुप्रिया पटेल की, तो इन सब चीज फैक्टर्स पे अभी वहाँ पे चीजें सामने आएंगे। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर एक बार फिर से बताना चाहेंगे, हम आपको रोहेलखंड की 25 सीटों का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। जी न्यूज की स्क्रीन को आप ध्यान से देखिए, एक एक सीट पर
कौन लीड कर रहा है, किसे जीत मिल सकती है, किसे हार मिल सकती है। स्क्रीन के एक तरफ आप वो देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये इन्फॉर्मेशन भी देख पा रहे हैं कि किस तरह सीटों का प्रोजेक्शन, अगर हमारे ओपिनियन पोल की बात की जाए तो किस तरह सीटों का प्रोजेक्शन है। तो एक तरफ एक एक सीट पर कौन सी पार्टी लीड करते हुए किस पार्टी के खाते में जीत आ सकती है, और दूसरी तरफ किस पार्टी को रोहेलखंड रीजन से कितनी सीटें मिलने वाली हैं, और मुद्दे क्या रहे हैं चंदन बताइए। रोहेलखंड के मुद्दे अदिति क्या रहेंगे अपने दर्शकों को बताते हैं। सबसे पहले सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है सांप्रदायिक हिंसा में रोहेलखंड का मुद्दा। सांप्रदायिक हिंसा, दो समुदायों के बीच वैमनस्य सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा है। इसके अलावा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा जो कि काफी प्रमुखता से उठेगा। इसके अलावा महंगाई है, महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है, महंगाई काफी बड़ी है, खाने पीने का सामान महंगा हुआ है, खराब सड़कें, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है रोहेलखंड में। इसके अलावा बाढ़ का मुद्दा है, ये इलाका तराई का इलाका है और यहां पर बाढ़ एक बड़ा मुद्दा बनती है। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं का अभाव है यहां पर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ट्रैफिक जाम है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है और जिससे लोग निजात पाना चाहते हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या वो भी चाहते हैं लोग कि ठीक हो। इसके अलावा दूषित पानी की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए, लोगों को पीने का साफ पानी मिले लोग ये चाहते हैं। इसके अलावा अन्य समस्याएं भी हैं, किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं क्योंकि ये किसानों का इलाका है, बहुत ही उपजाऊ इलाका है, जैसा कि हमारे मेहमान भी बता रहे थे। आवारा पशु काफी यहां पर आतंक मचाते हैं और यही तमाम मुद्दे हैं, छोटे कारोबारियों के मुद्दे हैं अदिति, बहुत बड़े मुद्दे हैं ये जिनको लेकर के इस बार रोहेलखंड की जनता वोट देने का मन बना रही है। प्रदीप जी, हमने बाकायदा एक लिस्ट और सूची दिखाई है हमारे दर्शकों को कि कौन से मुद्दे हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। जब ये ओपिनियन पोल किया गया लोगों के जहन में कौन से बड़े मुद्दे रहे, ये जो पूरी सूची है जिसमें सांप्रदायिक हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, खराब सड़कें, बाढ़, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, छोटे कारोबारियों के मुद्दे या फिर आवारा पशुओं का मुद्दा, इनमें आपके हिसाब से सबसे ज्यादा वोटर की चॉइस को कौन ड्राइव कर रहा है? देखिए, वोटर्स की चॉइस तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, कहीं पशु आवारा पशुओं का मसला है तो कहीं महंगाई है, महंगाई और जो आवारा पशु है वो करीब करीब सब जगह प्रभावी हो रहे हैं। लेकिन असल बात ये, प्रतिभान जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अतः साहब अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें तो। देखिए, जो रूरल मतलब ग्रामीण इलाके हैं वहां पे जरूर किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, और अर्बन एरियाज में जो कहा जाए कि रोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पर कुल मिला के ये वो इलाका है रोहेलखंड जहाँ पे एक बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है, तो कहीं ना कहीं भाजपा जो एक और खासतौर से अगर पोलराइजेशन वाली जो पॉलिटिक्स हम जिसको कहते हैं तो उसका भी फायदा भाजपा को मिल सकता है, कर मुस्लिम वोट पर अर्बन एरियाज में खासतौर से जो कंसर्न है वो सिविक। अभी आपने पोलराइजेशन का जिक्र किया, कैसे पोलराइजेशन उस रीजन में किया जा रहा है, थोड़ा सा आप और डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि ध्रुवीकरण पर बात तो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की ही जा रही है। अगर कुछ खास एक जाति वर्ग अगर और एक खास मजहब किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं जो कॉम्बिनेशन होते हैं जो कहा जाता है पॉलिटिकल केमिस्ट्री, तो उसमें और जातियां फिर लामबंद होती हैं, तो वो सब भी चीजें देखने को मिलेंगी। पर अभी तक जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव जिस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जो हमारी टीम ऑब्जर्व कर रही है जो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उसमें ये दिखता हुआ लग रहा है कि अभी ग्राउंड पे पोलराइजेशन उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है जितना कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश का उन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है जिसमें रोजगार और जो खासतौर से अर्बन एरियाज में जो सिविक एमिनिटीज की सुविधाएं हैं और किसानी का उसी पे ही ये चुनाव दिख रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं कि रूरल के हिसाब से और अर्बन एरियाज के हिसाब से मुद्दे डिसाइड हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना जीत सकते हैं, योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना जीत सकते हैं शाहजहांपुर से, बड़ी खबर। ये ओपिनियन पोल के मुताबिक बता रहे हैं कि इसके अलावा आंवला से पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह की भी जीत की उम्मीद है, बहेड़ी से मंत्री छत्रपाल गंगवार की सीट खतरे में है, बरेली कैंट से हार सकती है समाजवादी पार्टी की सुप्रिया आयरन, ये हैं हैवी वेट्स जिन जो कि दिग्गज नेता हैं, बदायूं से मंत्री महेश गुप्ता की जीत की संभावना है, ये तमाम बड़े नेता हैं जो कि इस रोहेलखंड इलाके से आते हैं, और कौन सी सीट को जीत सकते हैं, किस नेता का
की सीट फंस सकती है। सुरेश खन्ना जीते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेश खन्ना दिग्गज मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं योगी सरकार में, उनकी सीट यहां पर आराम से निकलती हुई नजर आ रही है। हमारे मेहमान भी बता रहे हैं कि काफी लोकप्रिय हैं, जनता के बीच उनकी छवि काफी अच्छी है। वीवीआईपी सीट में अगली सीट है धर्मपाल सिंह की, बीजेपी की, यह भी सीट निकलती हुई नजर आ रही है। धर्मपाल सिंह भी अपनी सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वीवीआईपी सीट में अगली सीट कौन सी है? सुप्रिया आयरन समाजवादी पार्टी में है फिलहाल, कांग्रेस छोड़ करके आई हैं और लेकिन आने का फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सुप्रिया एरन हारती हुई नजर आ रही हैं हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो वीवीआईपी सीट्स पर क्या है समीकरण रुहेलखंड का, हम आपको बता रहे हैं। सुप्रिया एरन के लिए पार्टी बदलने का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बरेली कैंट से वो हार सकती है। बदायूं से मंत्री महेश गुप्ता की जीत की उम्मीद है। वीवीआईपी सीट पर अगर बात की जाए तो बरेली कैंट से हार सकती है एसपी की सुप्रिया एरन, वहीं मंत्री महेश गुप्ता बदायूं से जीत सकते हैं। रुहेलखंड के दिग्गजों का हम आपको बता रहे हैं, जनता का मूड क्या कहता है, उनका भविष्य क्या हो सकता है, लेकिन असल नतीजा 10 मार्च को आएगा। हमने सिर्फ जनता का मूड जानने की कोशिश की है। ओपिनियन पोल है ये जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का। सुप्रिया एरन की सीट फंसती हुई नजर आ रही है बरेली कैंट। जनता का मूड ये कह रहा है कि जनता का मिजाज उनके खिलाफ है और सुप्रिया एरन हार सकती हैं। उन्होंने पार्टी बदली है, कांग्रेस छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आई हैं, लेकिन बरेली कैंट पर इस बदलाव का उन्हें फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बदायूं में जनता का मूड महेश गुप्ता के फेवर में है। बीजेपी पर के टिकट पर जीत सकते हैं महेश गुप्ता। एक बार फिर से उन्हें जीत का स्वाद चखने को मिल सकता है। अगली वीवीआईपी सीट की अगर बात की जाए तो डॉक्टर डीसी वर्मा जो कि मीरगंज से उतरे हैं, उन्हें जीत मिल सकती है, जनता का आशीर्वाद मिल सकता है। तो हमारे ओपिनियन पोल में भी उन्हें हरी झंडी मिल रही है। डॉक्टर अरुण सक्सेना जो कि बरेली से हैं, जैसा कि हमने आपको बताया 5 डॉक्टर उतरे हैं, तो बीजेपी के डॉक्टर अरुण सक्सेना जीत सकते हैं। इसके अलावा ददरौल में मानवेंद्र सिंह बीजेपी के जीत सकते हैं। बीजेपी का पलड़ा काफी भारी नजर आता है और यह फायदा दिग्गजों को भी मिलेगा, वीवीआईपी सीटों पर भी मिलेगा। तो बड़ी सीटों पर वीवीआईपी उम्मीदवारों का भविष्य क्या हो सकता है यह हमने आपको बताया। आदित्य, तो शाहजहांपुर से मंत्री सुरेश खन्ना की जीत मुमकिन है, आंवला से पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह की जीत की उम्मीद जताई जा रही है, बहेड़ी से मंत्री चंद्रपाल गंगवार की सीट उनके लिए बुरी खबर खतरे में है, बरेली कैंट से समाजवादी पार्टी की सुप्रिया एरन हार सकती हैं और बदायूं से मंत्री महेश गुप्ता की जीत की संभावना है। ये कुछ वीवीआईपी सीट्स जिनका ब्यौरा जी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं कि कौन से मंत्री की सीट जो है वो सेफ है इस वक्त और किस किस के बीच में कड़ी टक्कर है, वो देखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये वीवीआईपी सीट्स का हाल है। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कैसे किसके नाम के आगे क्रॉस और किसके नाम के आगे राइट, जिसके नाम के ये बहेड़ी सीट से आप देख रहे हैं चंद्रपाल गंगवार हारते दिखाई देते हैं, अताउर रहमान समाजवादी पार्टी से उनके खाते में ये सीट जाते हुए दिखाई देती है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं ये सीट बीजेपी के लिहाज से बहेड़ी में खतरे में है। वहीं बात की जाए बिसौली सीट की तो आप ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के आशुतोष मौर्य कुशाग्र सागर पर, बीजेपी के कुशाग्र सागर पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। कम से कम जो प्रोजेक्शन है, जो ओपिनियन पोल है वो यही कह रहा है। इसके अलावा पीलीभीत सीट की भी बात करना चाहेंगे जहां पर टक्कर है संजय गंगवार और शैलेंद्र गंगवार के बीच और वहां पर क्या हाल है, संजय गंगवार भारी पड़ते हैं शैलेंद्र गंगवार पर। इसके अलावा तिलहर सीट की बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पर ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के रोशन लाल टक्कर तो देंगे, टक्कर दे सकते हैं वो, लेकिन सलोना कुशवाहा इस वक्त आप तिलहर की सीट देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया सलोना कुशवाहा रोशन लाल वर्मा पर भारी पड़ सकती हैं, ऐसा प्रोजेक्शंस के मुताबिक, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक ये सीट वाइज हम आपको दिखा रहे हैं उन सीटों का हाल जहां पर टक्कर कांटे की देखने को मिल रही है। देखिए ये मेट्रो एक बार फिर से किस तरह से वीआईपी सीट्स जो है वहां पर कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है, वहां पर किस तरह की लड़ाई, कहां पर टाइट फाइट है, क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश लगातार जी न्यूज पर मेट्रो के माध्यम से भी कर रहे हैं और ग्राफिक्स दूसरे ग्राफिक्स के माध्यम से भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं चंद्रपाल गंगवार और अताउर रहमान के बीच बहेड़ी में टक्कर जहां पर अताउर रहमान भारी पड़ते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि किस तरह रोहेलखंड में ये देखिए अभी तो छत्रपाल गंगवार जो है पीछे छूटते दिखाई देते हैं जो कि बीजेपी के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा एक बार फिर से आप बहेड़ी सीट का ही ब्यौरा देख रहे हैं, अताउर रहमान भारी पड़ते हुए समाजवादी पार्टी के बहेड़ी सीट पर। अब हम आपको
रोहेलखंड से जुड़ी 10 बड़ी बातें, क्योंकि ओवरऑल पिक्चर भी देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर किस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी ओवरऑल, क्योंकि बीजेपी ने 2017 में इस एरिया को डोमिनेट किया, इस रीजन को डोमिनेट किया। तो बड़ी खबर, अब 10 बड़ी बातें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए इस ओवरऑल रोहेलखंड की तस्वीर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था बीजेपी उसके अलायंस को यहां पर फायदा होता दिखाई देता है, 51% वोट शेयर संभव होने की हमने बात की थी, तो यानी बीजेपी का वोट शेयर 8% बढ़ सकता है, ये बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी का भी वोट शेयर बढ़ेगा, 12% बढ़ सकता है और ये बढ़कर 36% हो सकता है। अगर सीटों के लिहाज से बात की जाए तो वोट शेयर बीजेपी का बढ़ा, लेकिन बीजेपी के लिए प्रोजेक्शन 19 से 21 सीटों का, लेकिन उसे हो रहा है 2 से 4 सीटों का नुकसान। इस प्रोजेक्शन के मुताबिक समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 12% बढ़ा, लेकिन बहुत ज्यादा सीटों में तब्दील होता। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ब्यौरा 3 से 7 सीटें निकाल सकती है, यानी 1 से 5 सीटों का फायदा ही संभव है। तो 2017 की तरह ओवरऑल पिक्चर की बात की जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लिए ये अच्छी खबर नहीं, 12% वोट शेयर गिर रहा है बहुजन समाज पार्टी का, ये एक बड़ी खबर। कांग्रेस और बीएसपी के खाते में 1 भी सीट फिलहाल इस प्रोजेक्शन के मुताबिक जाती नहीं दिखाई देती है। सीएम के तौर पर पसंद की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ काफी आगे दिखाई देते हैं, 47% लोगों की पसंद वो लगातार बने हुए हैं, और बरेली और पीलीभीत में भी बीजेपी को बड़ी बढ़त। हमने आपको मुद्दे भी दिखाए थे, बेरोजगारी, सांप्रदायिक हिंसा और साथ ही मूलभूत सुविधाएं बड़े मुद्दे हैं जब मुद्दों के लिहाज से यहाँ पर बात की जा रही है। चंदन, बिल्कुल, तो अगर रोहेलखंड की बात की जाए तो यह मुकाबला पूरी तरह से दोतरफा होता हुआ दिख रहा है। किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, 25 सीटें हैं रोहेलखंड में 4 जिलों में, किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं अपने दर्शकों को हम बताते हैं। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी और गठबंधन को 19 से 21 सीटें यहां पर मिलती हुई दिख रही हैं, यानी बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हालांकि 2017 के मुकाबले थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी काफी पड़ रहा भारी है। समाजवादी पार्टी को 3 से 7 सीटें रोहेलखंड की 25 सीटों में से मिल सकती हैं। पिछली बार से प्रदर्शन बेहतर जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बीएसपी में बहुत बड़ा नुकसान बीएसपी को खाता भी खुलता हुआ यहां पर नहीं दिख रहा है। पार्टी अतीत में यहां अच्छे वोट हासिल करती रही है, लेकिन बहुत नुकसान। कांग्रेस का भी वही हाल, खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये ओपिनियन पोल है, जनता का मूड हमने भांपने की कोशिश की है। अन्य के खाते में भी ज्यादा सीटें नहीं, 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधनों के बीच नजर आ रहा है, और सीटों में भी वही दिखता है। बीजेपी गठबंधन 19 से 21, समाजवादी पार्टी गठबंधन 3 से 7 सीटें हासिल करता हुआ दिखता है। और जैसा कि रोहेलखंड के बारे में कहा जाता है कि यहां पर पहले चौतरफा मुकाबला हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह से दोतरफा मुकाबला, बीजेपी को नुकसान संभव है, नुकसान होगा पिछली बार के मुकाबले, लेकिन फिर भी सीटों के लिहाज से होगा। ये नुकसान सीटों के लिहाज से है, वोट शेयर बीजेपी गेन करती दिखाई देती है, लेकिन सीटों के लिहाज से बीजेपी को नुकसान। वही समाजवादी पार्टी भी वोट शेयर भी गेन कर रही है। तो बीजेपी की अगर बात करें, उसके अलायंस की बात करें, तो 19 से 21 सीटें, यानी करीब 2 से 4 सीटों का नुकसान बीजेपी के लिए। समाजवादी पार्टी वोट शेयर गेन करती है 12% और सीटें वो निकाल सकती है 3 से 7, जिसका सीधा सा मतलब है 1 से 5 सीट का। देखिए इस वक्त जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं बीजेपी की डिटेल्स है, नुकसान हो रहा है। 2017 में 23 सीटें निकाली थी, 2022 में 19 से 21 सीटें निकाल सकती है, यानी नुकसान 2 से 4 सीटों का हो सकता है। एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए, वोट शेयर बीजेपी गेन कर रही है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2017 में 2 सीटें यहां पर निकाल पाई थी, ओपिनियन पोल के प्रोजेक्शन की बात करें तो 3 से 7 सीटें निकालती दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है, माफ कीजिएगा, नफा हो रहा है, फायदा हो रहा है 1 से 5 सीटों का। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, बड़ा 0। और वहीं बात की जाए अगर बहुजन समाज पार्टी की, तो उनके खाते में भी 0 है, यानी खाता खोलते ना तो कांग्रेस दिखाई दे रही है और ना ही बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है। तो आपने इस अंतर को देखा, इस अंतर के मायने समझना और ये अंतर क्यों आया है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, तो सीटों को लेकर जो प्रोजेक्शंस हैं वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तुलनात्मक पिक्चर कंपैरिजन 2017 के मुकाबले सीटों के लिहाज से। अब देखिए, ये वोट शेयर, पहले आपने जो नुकसान देखा बीजेपी को वो सीट्स के लिहाज से नुकसान देखा, लेकिन जो वोट शेयर के हिसाब से अगर बात करें तो तस्वीर पलट जाती है और बीजेपी को फायदा हो रहा है। 2017 में 43% वोट शेयर था, ओपिनियन पोल के मुताबिक 51% वोट शेयर, यानी सीधे तौर पर 8% वोट
शेयर का फायदा हो रहा है। 2017 में समाजवादी पार्टी की बात करें तो 24% वोट शेयर था, जो कि ओपिनियन पोल में 12% बढ़कर 36% का प्रोजेक्शन है, यानी नफा हो रहा है, फायदा हो रहा है 12% का। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 7% 2017 में, ओपिनियन पोल के मुताबिक 4%। कांग्रेस पार्टी को यहां नुकसान हो रहा है 3% का। बहुजन समाज पार्टी 2017 में 19% वोट शेयर, हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक 7% वोट शेयर, यानी सीधे तौर पर 12% का नुकसान बहुजन समाज पार्टी के लिए, और नुकसान 5% का अदर्स के लिए भी, जिनका वोट शेयर 2017 में 7% था, अब गिरकर ओपिनियन पोल के मुताबिक 2%। ये प्लस और माइनस एक्सप्लेन करने के लिए कि आप सीधे तौर पर देख रहे हैं बीएसपी के आगे -12 और एसपी के आगे +12, बीजेपी के आगे, ये वोट शेयर के लिहाज से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो सीधे तौर पर जिनका नुकसान, अगर गेनर्स की बात की जाए वोट शेयर के लिहाज से, तो वो फायदा हो रहा है बीजेपी और एसपी को, और नुकसान हो रहा है कांग्रेस, बीएसपी और आदर्श को। चंदन, बिल्कुल, पीलीभीत की अगर बात की जाए तो पीलीभीत में बीजेपी का दबदबा नजर आता है, और जैसा कि ये इलाका काफी हरा भरा है और जंगलों से भरा हुआ है, और यहाँ के जंगल में बीजेपी का पूरी तरह से दबदबा नजर आ रहा है। बीजेपी शेर बनती हुई दिख रही है, क्योंकि चारों की चारों सीटें पीलीभीत की बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पूरे रुहेलखंड में बीजेपी का और गठबंधन का दबदबा नजर आता है। जातीय समीकरण जो बीजेपी ने 2017 में साधा था, हल्का सा कमजोर जरूर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, सीटों का कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन पीलीभीत में पूरी तरह से एक छत्र राज, पीलीभीत, परखेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर की सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रुहेलखंड की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, क्या कह रही है रुहेलखंड की तस्वीर भी एक तरह से बीजेपी के फेवर में ही परसेप्शन बनाती है। जो प्रोजेक्शंस है, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, 19 से 21 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए, 8% का वोट शेयर का गेन, और इस समय जो आप अब तस्वीर देखेंगे ये यूपी असेंबली की तस्वीर होगी, उत्तर प्रदेश असेंबली की तस्वीर होगी। टोटल सीट्स की बात करें तो 403, बीजेपी वे बियॉन्ड जो मेजॉरिटी मार्क है। एक बार फिर से दोहराते हुए कि बीजेपी सत्ता में वापसी करते दिखाई देती है, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 245 से 267 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के फेवर में है, यानी बीजेपी पावर में, सत्ता में वापसी कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी, जो कि वोट शेयर तो गेन करती है लेकिन उतने सीट्स गेन नहीं कर पा रही है जो कि उसे सत्ता में ला सके। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी जाहिर तौर पर इस ओपिनियन पोल से मायूस होगी, 5 से 9 सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती दिखाई देती है, प्रोजेक्शन है। कांग्रेस के लिए 3 से 7 सीट का प्रोजेक्शन है और अदर्स के लिए 2 से 6 सीट का प्रोजेक्शन है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश असेंबली में उभर कर आ सकती है। हमने आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई थी और आज हमने आपको रुहेलखंड की तस्वीर दिखाई है। कल आप तैयार रहिएगा क्योंकि हम आपको उत्तर प्रदेश से अवध की तस्वीर दिखाएंगे, और साथ ही हम आपको दिखाएंगे मणिपुर और गोवा में क्या संभव है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, पूरे डिटेल्स। जी न्यूज ये बड़ा ब्रॉडकास्ट, स्पेशल ब्रॉडकास्ट लेकर आएगा, देखना ना भूलिएगा आप। अभी भी खबरें जा रही है लगातार जी न्यूज पर, आप रहिए हमारे साथ। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.